हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। आज हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स या अवस्थाओं का परिवर्तन। तो मैंने केमिस्ट्री के एक बेसिक वीडियो बना दिया, उसमें बताया था कि अवस्था कितनी होती हैं। सबको पता होगी कि अवस्था कितनी होती है, नहीं पता होगी तो देख लो अवस्था कितनी होती हैं। तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। पहली होती है ठोस, जिसे कहते हैं सॉलिड। दूसरी होती है द्रव, जिसे कहते हैं लिक्विड। और तीसरी होती है गैस, जिसे कहते हैं गैस। तो यानी ये तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी? ठोस, द्रव, गैस। तो इनमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी के बारे में आज हम ये पढ़ेंगे। ये मुख्यतः 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये 8th में भी है, 7th में भी है, लेकिन ये सभी को पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन में आ जाता है कि अगर हम ठोस से गैस बदल रही है तो उसे हम कहते क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि अवस्थाओं का परिवर्तन और चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है, क्या होता क्या है। तो पहला है ठोस और दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। जब भी कोई चीज़ ठोस से द्रव में बदलती है, क्या बदलती है? ठोस से द्रव में बदलती है तो उसे कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। आज जब वही द्रव गैस में बदल जाता है तो उसे कहते हैं बाष्पन। क्या कहते हैं? बाष्पन। इंग्लिश में कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। ये हो गया कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस। अब कोई चीज गैस से अगर लिक्विड गैस से द्रव बन रही हो तो क्या कहेंगे? अगर कोई चीज गैस से द्रव बन रही हो तो उसे बोलते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब वो गैस से द्रव हो गई। अब वो द्रव से अगर द्रव से ठोस हो जाए, क्या हो जाए? द्रव से ठोस, तो उसे बोलते हैं जमना या फ्रीजिंग। तो ये तो नाम हो गए कि ठोस से द्रव बदलती है तो होता क्या है, अगर द्रव से गैस बदलती है तो क्या होता है, गैस से द्रव बदलती है क्या होता है, और द्रव से ठोस बदलती है तो क्या होता है। लेकिन ये तो सिर्फ नाम हो गए, लेकिन ये होता क्यों है ये हमें जानना है। क्या कह रहे हैं? होता क्यों है ये हमें जानना है। तो ठोस होता क्या है? जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। द्रव क्या होता है? जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। गैस क्या होता है? जिसे जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। अब देखते हैं ये होता क्यों है, कि ये अवस्था परिवर्तन होती क्यों है। अब ये ठोस है, क्या ये ठोस है? ये एक है द्रव और ये है गैस। क्या ये गैस? ठीक। और ठोस में सबको पता होगा कई कणों से मिलके पदार्थ बनता है। क्या? कई कणों से मिलके पदार्थ बनता है। तो ठोस में जो कण होते हैं वो आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं ठोस में, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं ठोस। ठोस में कण आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, तभी तो वो नहीं दबते हैं। जब कोई बिल्कुल चीज चिपकी हुई होगी तो कैसे दब जाएगी, क्योंकि इनके बीच जगह ही नहीं है। और द्रव, द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में बिल्कुल दूर होते हैं। गैस में क्या होते हैं? बिल्कुल दूर होते हैं। तो ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस और गैस से द्रव और द्रव से ठोस होता क्यों है, ये चीज हमें यहाँ पे जानना है। जैसे कि एक ठोस है, जब हम इसे ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसे ठंडा करते हैं तो जो इसके नहीं, जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ये इसके कण होते हैं, इन्हें एक ऊर्जा मिल जाती है जिससे ये भागना चालू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भागना चालू कर देते हैं। तो इनमें से आधे कण भाग जाते हैं, जिसमें ये कुछ ही कण रह जाते हैं, तो ये द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है? द्रव। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो इसके कण भागना चालू कर देते हैं, तो ये बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिससे कि ये एक द्रव बन जाता है। और जब हम द्रव को भी गर्म कर देते हैं, क्या करते हैं? अगर हम द्रव को भी गर्म कर दें तो ये भी और भागना चालू हो जाते, आधे इसमें से और चले जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है?
गैस बन जाता है। अब ये गैस से द्रव कैसे बनता है, जो हम गैस को क्या करते हैं, जब हम गैस को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो इसके कण पास आ जाते हैं। क्या होते हैं, जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो इसके कण पास आ जाते हैं, जिससे कि वह द्रव बन जाता है। और जब हम द्रव को ठंडा करते हैं, तो ये इसके कण और पास आ जाते हैं, जिससे कि ये ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है, ठोस। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं उदाहरण, जैसे कि हमने बर्फ लिया, क्या लिया, बर्फ लिया। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, जल यानी पानी। और जब देखा होगा, जब जल को गैस पे रख के गर्म करते हैं तो उसमें थोड़ा पानी गायब हो जाता है और थोड़ा रह जाता है, तो वो क्या होता है, जब थोड़ा वो गायब हुआ, वो कैसे बदल गया, गैस में बदल गया। तो ये हो गया उदाहरण, जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा। तो बर्फ क्या था, ठोस था, जब हम गर्म करा तो जल बन गया, जल क्या है, लिक्विड है। जब हमने जल को भी गर्म करा तो गैस बन गया, गैस तो गैस है ही। और जब हम गैस को जब ठंडा करेंगे, क्या होगा, जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो जल बन जाता है। कैसे बन जाता है, जैसे किसी गिलास में हमने ठंडा पानी रखा, क्या रखा, गिलास में ठंडा पानी रखा, तो बाहर जो गिलास के बाहर जो गैस घूम रही होती है, वो ठंडे गिलास से संपर्क में आके क्या बन जाती, जल बन जाती। देखा होगा कि गिलास के चारों ओर ठंडी ठंडे पानी की बूंदे बन जाती, वही इसका उदाहरण होता है। जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो जल बन जाता है, और जब हम जल को ठंडा करते हैं, ये सबको पता होगा, सब लोग ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, सब लोग फ्रिज में बनाते होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था चेंज ऑफ स्टेट, यानी अवस्थाओं का परिवर्तन। ठोस से द्रव बनता है तो उसे कहते हैं गलन यानी मेल्टिंग, जब द्रव से गैस बनता है उसे बोलते हैं बाष्पन या वेपराइजेशन, और जब गैस से द्रव बनता है तो उसे बोलते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन, और जब द्रव से ठोस बनता है तो उसे बोलते हैं जमना यानी फ्रीजिंग। और ये होता क्यों है, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास होते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तो इसके कण बहुत दूर दूर चले जाते हैं, जिससे कि वो द्रव बन जाता है। जब हम द्रव को और गर्म करते हैं तो उसके कण और दूर चले जाते हैं, जिससे कि वो गैस बन जाता है। अब गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो उसके कण पास में आ जाते हैं, जिससे कि वो द्रव बन जाता है। और जब हम द्रव को ठंडा करते हैं तो वो उसके कण और पास आ जाते हैं, जिससे कि वो ठोस बन जाता है। इसका उदाहरण क्या है, जब हमने बर्फ को गर्म करा तो जल बन गया, और जब जल को गर्म करा तो वो पानी उड़ जाता है यानी गैस बन गया। और जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो जल बन जाता है, क्योंकि जब ठंडे गिलास में हम पानी लेते हैं तो बाहर बूंदें बढ़ जाती हैं, वो ठंडे के संपर्क में आके गैस से द्रव बन गई। और जब जल को ठंडा करा वो बर्फ बन जाता है, सब लोग करते हैं फ्रिज में रख के जल को सब बर्फ बनाते हैं, जैसे ही गर्मियों में पानी पीते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं था, ये बेसिक टॉपिक है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और सभी दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।